नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कंक्रीट पंप के बारे में बताऊंगा, जो बीपी 1800 है, स्विंग का है मशीन है ये। आपको बेहतर तरीके से बताते हैं ताकि इसके बारे में आप जान सकें। ये हमारा स्विच पैनल, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबा ना हो, अगर एक पार्ट में नहीं आता है तो इसको हम दो तीन पार्ट में बता दूंगा। इसका एक लॉक है, पैनल लॉक, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद को लगा देंगे और ये हमारा कीबोर्ड, जिसके अंदर हम चाबी जब लगाएंगे तो यान हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो इसको कोई सा भी चला सकता है, कोई भी बंदा चला सकता है। बस थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है, वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जब आप यहाँ से चाबी, अगर ऑफ है, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ इंडिकेट, ये जो बत्ती है ये जल जाएगी, ये ऑफ रहेगा तो ये बुझ जाएगा। तो इस बत्ती को जलने का मतलब आपके इसमें करंट है और बैटरी आपकी सही है। ये आपका टोटल आरपीएम है, सॉरी आरपीएम जो आपको कम से कम मिनिमम 20 या 22 पे होना चाहिए, और ये आपका टोटल हावर्स है, कितना घंटा टोटल आज तक मशीन चली है। इसको आप देखें, इसके अंदर वो दिखाई देगा मीटर, मीटर के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये आपका डीजल टैंक है, और ये आपका टेम्परेचर है। अब यहाँ आते हैं, बेसिकली इसके बारे में अगर आपको बताएं, ये अगर फुल ओपन रहेगा, जैसे घूम रहा है ना, ये फुल ओपन रहेगा तो स्टोक इसके बढ़ जाएंगे। ये आपका स्टॉप है, ये आपका जब जिस समय स्ट्रोक मारते हैं, स्ट्रोक मारते समय ये कांटा ऊपर की तरफ, ये आपका प्रेशर बताता है, कितना प्रेशर है इसमें। ये आपका पैनल एजिटेटर मोटर का है, एजिटेटर मोटर वो जो हॉपर के अंदर होता है, ऊपर के अंदर आप देखेंगे जैसे ये है, इसके अंदर एक जाली है और जाली के अंदर वो एक वो मोटर लगा हुआ है, मतलब मोटर इसके अंदर है और वो अंदर में एक वो शाफ्ट होता है जो कंक्रीट को हमेशा मिक्स करते रहता है, घुमाता रहता है। अब ये आपकी फिल्टर है, इस फिल्टर से इसमें हाइड्रोलिक डलता है, जो ग्रेड अपना 68 का होता है वो डाला जाता है, और इसके अंदर इसको ये प्रेशर देता है। ये इधर भी होता है और अपोजिट साइड में भी होता है, जैसे वो है यहाँ भी है, सेम वही चीज़ है। अब सेम यही चीज़ इधर भी है, इसमें ये गेट वाल है, ये हॉपर का गेट वाल है और ये आउटर का गेट वाल है, दो गेट वाल होते हैं इसके अंदर। अब चलिए मैं आपको इसके स्टार्टिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। स्टार्टिंग के प्रोसेस का ये है, ये आपका यहाँ पे एस्केलेटर दिया हुआ है, ये एस्केलेटर है, इसको इधर करेंगे तो ये एस्केलेटर बढ़ेगा इसका। दूसरी चीज, ये आपका एजिटेटर का है, जिसको मैंने अभी आपको होपर में दिखाया, ये आपका स्ट्रोक का है, इसको आप बाहर खींचेंगे तो ये आउटसाइड माल को बाहर फेंकेगा, और अंदर की तरफ दबाएंगे तो माल को अंदर की तरफ खींचेगा। ये है आपका पंप का, ये जो एयर पंप होता है, एयर कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, ये उसका है। इसको अंदर की तरफ दबा देंगे तो जब अंदर की तरफ इसको दबाएंगे तो ये वाला जो पंप है ये आपका काम करेगा, यहाँ से एयर निकलेगा, ये एयर कंप्रेसर है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है
जब आप कंक्रीट को ख़त्म कर लेते हैं, कंक्रीट आपकी डल चुकी होती है या बाई दुबे कभी चोक हो गया, मशीन नहीं चल रही है, तो इस कंडीशन में आप इस मोटर में पाइप लगा के, एक पाइप होता है जो अभी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वो पाइप कैसे लगेगा, उस पाइप को लगा के आप जब उस बटन को जब ऑन करेंगे, जब इसलेटर लेके जब इसको ऑन करेंगे तो ये एयर रिलीज करेगा, और जब एयर रिलीज करेगा तो उसमें एक बॉल लगेगा, जिसको बॉल पास करते हैं वो कंक्रीट को बाहर निकाल देगा, एयर के थ्रू वो पास हो जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये जो वॉल है, यहाँ पे एक आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल अक्सर क्या होता है, कुछ लोग इसको बंद कर देते हैं, और अगर ये बंद रहेगा, जैसे ये अभी क्लोज है, अगर ये बंद है तो फिर आपका स्ट्रोक काम नहीं करेगा, स्ट्रोक काम नहीं करेगा तो फिर आपकी मशीन नहीं चल पाएगी, स्टार्ट तो हो जाएगी, रेस बढ़ जाएगा, लेकिन आपका माल सप्लाई नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको ऐसे होना चाहिए, ये वाल हमेशा ओपन होना चाहिए। हाँ, अगर कभी इसको बंद करना, अगर कहीं हाइड्रोलिक लीक कर रही है, चाहे इन सब चीज़ों में से अगर कहीं लीक हो रहा है, जैसे नॉर्मल चीज़ें ये हैं, जैसे ये बोल्ट ढीला हो गया या कुछ हो गया, या ये यहाँ से लीक हो गई, यहाँ से लीक हो गई, इधर कहीं भी अगर लीकेज आता है तो आप इसको नॉर्मली इस बॉल को बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं। ये बंद कर देंगे, आपका यहाँ से हाइड्रोलिक गिरना बंद हो जाएगा, फिर आप इसको ओपन करके, खोल के, चटाइट करके, जैसे भी करना है आप उसको कर सकते हैं। रही बात इसके स्टार्टिंग प्रोसेस की, तो ये आपका डीजल टैंक है, ये आपका कूलर है अंदर, ये आपका जो मशीन की हीटिंग होती है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, जो इस बॉक्स का अगर माउथ देखेंगे तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, ऐसे। इसके बगल में आप देखेंगे तो साइलेंसर है, बाकी और कुछ नहीं है। ये आपका वाटर टैंक है, ये आपका वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक को ऐसे अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करके साइड में रखेंगे। इसके अंदर पानी भरा होना चाहिए, जिस समय आप मशीन को चालू कर रहे हैं, चालू करने से पहले इसके अंदर पूरा वाटर भर लें, पानी भरा होना चाहिए। पानी भरने के बाद इसको यहां से बंद करते हैं, यहां से इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद अगर आपका काम हो जाता है, जैसे आप अपना काम कर चुके होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, यहां पे एक वाल है, ये वाल आप थोड़ा नीचे साइड में इसको दे रखा है, आप देख सकते हैं ये है वाल। इस वाल को जब ओपन करेंगे तो इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, और हमेशा इसको बंद करके ही आप उसके अंदर पानी भरें, इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि वो खुला ना हो ऐसे कंडीशन में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा मेरे हिसाब से हो गया है, बाकी की जानकारी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम आपको इससे बेहतर और जानकारी दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।